नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। काल भैरव प्रत्यक्षीकरण साधना। देखो, काल भैरव जी को प्रत्यक्ष करना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि भैरव जी महादेव के रूप है और साथ में उन्हीं की तरह भोले भी हैं। तो ये जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ, ये एक साबर मंत्र साधना है। ईश्वर वचा होता है और गुरु की शक्ति होती है, इसलिए इसको सिद्ध नहीं करना होता है। लेकिन सिद्धि का दूसरा मतलब कि इसको आपको परफेक्ट करना होगा। देखो, भैरव जी को प्रत्यक्ष करने का सबसे अच्छा उपाय होता है उनकी सेवा करना। तंत्र मंत्र ये सब तो जंजाल जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर उनको आपको सीधे प्रसन्न करना है तो उनकी सेवा करो। कैसी सेवा करो, उसका पूरा एक वीडियो मैंने बना रखा है कि किस तरीके से भैरव जी की सेवा होती है। सबसे पहले भैरव जी को एक स्थान देना चाहिए, काल भैरव को स्थान देना चाहिए। अच्छा, एक विषय और कि आप लोग सब पूछते रहते हैं कि कौन से भैरव जी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। देखो, अष्ट भैरव होते हैं जिसमें कि असितांग भैरव हैं, चंड भैरव हैं, रूरु भैरव हैं, क्रोध भैरव हैं, उन्मत्त भैरव हैं, कपाल भैरव हैं, भीषण भैरव हैं और संहार भैरव हैं। लेकिन इन सब भैरव का जो बॉस है वो काल भैरव जी हैं। तो काल भैरव की जब पूजा आप करते हैं ना, तो हर भैरव की आपको कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, आज जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 21 दिन की साधना है। प्राइमरी स्टेज में ये 21 दिन की साधना है। ठीक है, इसके बाद इसको आपको निरंतर करते रहना होगा। भैरव जी प्रत्यक्षीकरण कैसे देते हैं? अगर आपने भैरव जी का स्थान दिया है, भैरव जी की मूर्ति की स्थापना की है, या फिर एक ऐसा एक्सक्लूसिव स्थान रखा जहाँ उनकी तस्वीर है और वहाँ आप उनको पूजा करते हैं, तो वहाँ पर आप भैरव जी का मूवमेंट देख पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि वहाँ चीज़ें अपने स्थान से हिल रही हैं, मूर्ति हिल रही है, तस्वीर से कुछ हिल रहा है। दूसरा, उनके आगमन का जो चिन्ह होता है वो उनके दूत भूत देते हैं। भैरव जी का जहाँ आगमन हो जाएगा, वहाँ हो सकता है कि भैरव जी खुद ना दिखें, लेकिन भूत प्रेत चिटकियाँ ये सब आपको मूवमेंट करती हुई खुली आँखों से दिख जाएंगे। ठीक है, तीसरा, भैरव जी के आने का पता वो सपनों में श्वान के जरिए देते हैं कि श्वान आपको दिखेगा सपनों में, कुत्ते दिखेंगे, कुत्ते आपको बचा रहे हैं, कुत्ते आपको अटैक कर रहे हैं, वो अलग अलग जो कुत्तों का बिहेव होता है उससे वो जाहिर करते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके जीवन के हर आयाम में जो बदलाव होगा, जो पॉजिटिव चेंजेस होंगी, वो बताएगा कि भैरव जी का आगमन हो गया है। देखो, भैरव जी के आगमन से जो शक्तियाँ, जो भी जो नेगेटिव ऊर्जा है या अनवांटेड ऊर्जा जो आपके जीवन में ख़राब करती है, वो है इकोनॉमी या फिर पारिवारिक समाज और या फिर सोशल जो आपका प्रतिष्ठा है उसको वो हैम्पर करती हैं। ये तीनों खुद ब खुद स्वतः ठीक होने लगती हैं एक बार भैरव जी का आगमन आपके जीवन में हो जाता है। आते हैं अब विधान पर। इस मंत्र का जो विधान है, 1000 बार 21 रात तक आपको जाप करना है लौंग और गूगल के आहुति के साथ। सिर्फ जाप नहीं करना है आपको, आपको आप बाएं हाथ से गिनती करेंगे और दाएं हाथ से आहुति देते रहें। ये विधान 21 रातों तक आपको करना होगा। तो इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि इस पूजा को जो 21 दिन का है, ये आप घर पर नहीं करेंगे, ये किसी और स्थान पर करेंगे जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो या फिर बिल्कुल ही भीड़ ना हो, तो और अच्छी बात है। और जो पहला बार जब आप उस हवन, जहाँ पे आप 21 दिन तक हवन करेंगे, वहाँ पर एक कुंड बना लीजिए, हवन कुंड बना करके, और उसको 2.5 फीट गहरा कीजिएगा और 2 फीट चौड़ा, सर्कुलर, हाँ, गोल रहेगा। और जब पहले दिन उसमें हवन कीजिएगा, तो पहले दिन के हवन में श्मशान की एक आधी जली हुई लकड़ी उसमें डालनी है। ठीक है, उसके बाद आप रेगुलर लकड़ी से उसको कर सकते हैं। टोटल विधान 32 दिनों तक चलेगा और 32 दिनों तक वो जो हवन कुंड है वो चेतन रहना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ी ना थोड़ी अग्नि हमेशा रहनी चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए उसकी। ठीक है, तो इतना व्यवस्था आपको कर लेना है।
21 दिन तक आप पहले जो है पहले 21 दिन आप लौंग और गूगल का मिश्रित हवन जाप करेंगे और अंत में कारण देंगे बाबा को, ठीक है। ये जब 21 दिन तक पूरा हो जाएगा, अंतिम 11 दिन फिर से मसान की लकड़ी रोज़ एक लेकर के आएंगे और उसके बाद उसमें कलेजे से हवन करेंगे 108 बार, मतलब पूरा पूरा कलेजा नहीं, एक कलेजा ला करके उसका 108 टुकड़ा करना है और उसके बाद उससे हवन करना है 108 बार। तो 11 दिन आखिरी के ये होंगे, तो टोटल 32 दिन की साधना है। 32 दिन में भैरव जी प्रत्यक्ष होते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए। कर आसन सुलभ रक्षति, बाल तुम्हारा आसन आस, रक्षा करे भैरव काल, नव रक्षा माँ शमशान वासी, प्रथम नमन गुरु आसन, दूजा शमशान भैरव चंडी, काज मेरा पूरन करे, माँ शमशान चंडी भैरव, बाल तुम्हारा तुझ खोड़े, रिद्धि सिद्धि दाता भोले, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 64 योगनी शाखनी डाकनी, प्रेत बैताल सब हूँ रक्षा, मैं बालक तुम ही सच्चा, भेंट ग्रहण करे दो बाचा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, आपे सभी बचन दीक्षित, अभय अजर देहु आशीष, कृत करु सबके सच्चे, नमन नत नमु तुझे, सिद्धि दात बक्सु मुझे, शब्द साचा पिंड काचा, रहा रहे सदा दर्शन आशा, ओम फट स्वाहा। अच्छा, एक विषय ध्यान में आया, जब भी भैरव जी का हवन होता है, ठीक है, तो हवन होने के बाद लौंग से या अक्षत से जो पूरा चावल होता है उससे एक बार 108 बार ओम फट स्वाहा से हवन किया जाता है। तो अब पूरा विधान एक बार फिर से समझिए। पहला दिन जिस दिन आप इस पूजा को शुरू करेंगे, तो ये कहने की बात नहीं है कि जो पांच चीज़ें होती हैं, मतलब दीप धूप नवेद फूल हाँ इन सब चीज़ों से और गंध सुगंध इत्र, इन पांच चीज़ों को आपको रोज़ अर्पण करना ही है, वो किसी भी साधना में करना होता है। पहला दिन जब आप पहले 21 दिन का शुरू करेंगे जिसमें आप लौंग और गूगल से हवन करेंगे, उस 21 दिन में पहले दिन आपको मसान की लकड़ी अपने धुने में रखनी है, और जो 21 दिन के बाद का 11 दिन जिसमें आप कलेजे से हवन करोगे उसमें रोज़ आपको मसान की एक लकड़ी ला करके उसमें देनी है। मसान की लकड़ी जब भी उठाओगे तो वहाँ 1 रुपया रख देना और आदेश करके उसको उठाना, ठीक है। एक पूरे 32 दिन की साधना है। 32 दिन में भैरव जी प्रत्यक्ष ही नहीं होते, रोज आपके आपके आसपास रहते हैं। इसके बाद आजीवन भैरव जी को रोज भोग देना, रोज कारण देना और रोज एक माला इस मंत्र का जाप करना, तो आप मतलब आपका तंत्र में कोई सानी नहीं होगा। मतलब आप पे कोई तंत्र चला दे ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी भी तंत्र का काट आप इस मंत्र से कर सकते हो। किसी भी भूत पिचास गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव कैसी भी शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए, आप हर शक्ति को अपनी शक्ति से परास्त कर सकेंगे। तो ये है भैरव प्रत्यक्षीकरण साधना आप सभी लोगों के लिए। 32 दिन इस हिसाब से दिया कि नवरात्रि में आप लोग इसको समाप्त कर लो। आज के लिए इतना ही। जिनको भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है, मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से पूरे विश्व में खरीद के पढ़ सकते हैं। महाभैरव आप लोगों पर कृपा बरसाए रखे, ऐसी मेरी कामना है। इसके अलावा जिनको साधना का बेसिक मंत्र साधना विधि सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उससे डायरेक्ट मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।